है नागपुर लोकसभा, 2014 की जो स्थिति थी क्या वही स्थितियां 2019 में भी है? क्या सोचती है यहाँ की जनता? क्या है चुनाव के मुद्दे? किस मुद्दे पर वोट डाले जाएंगे? किन मुद्दों पर मतदाता किसके तरफ जाएंगे, किसे वोट करेंगे? ये बहुत अहम मुद्दा बनता है, क्योंकि जिस तरह से 2014 में मुद्दे उठे थे, हमने देखा 2014 में जिस तरह से वो मुद्दा उठा था जिसको हम कहते हैं विकास, बेरोजगारी का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का मुद्दा था, और भी मुद्दे थे, कुछ धार्मिक मुद्दे भी थे, लेकिन हम जब 2019 पर आते हैं तो तमाम मुद्दे गायब नज़र आते हैं। आज जो सत्ताधारी है उनके जो मुद्दे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और बीती सरकारें हैं उनको कोसने में ही तमाम मुद्दे गायब कर दिए हैं। इन 5 सालों में देश में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, देश का कितना विकास हुआ, सामाजिक जो संकल्पना इस देश की है, धार्मिक संकल्पना है, धर्मनिरपेक्षता है, व्यक्ति स्वतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, और तमाम प्रकार की जो आज़ादियाँ है उनका क्या हश्र इन 5 सालों में हुआ, उनका हम थोड़ा सा विचार करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका, ये आवाज़ इंडिया टीवी है, हम ये राजनीति एक्सप्रेस में। क्या मुद्दे है इस बार 2019 के लोकसभा के? 2019 के लोकसभा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे है। एक्चुअली हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ आज कम से कम 70 साल से ज़्यादा हुए हैं, और हमारी लोकशाही यहाँ पे जो शुरू है उसको भी उतने साल हो गए, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, भारतीय संविधान की जो गरिमा है वो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो है शुरू में वो तो अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी जो 2014 के बाद में 19 तक जो हमने देखा है, तो यहाँ पे बोलने की आज़ादी और यहाँ पे अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है उस पर बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। जैसे कि कलबुर्गी हो गया, गोविंद पानसरे हो गए, नरेंद्र दाभोलकर हो गए, और गौरी लंकेश हो गई, ऐसे जैसे विचारवंतों की जो हत्या हो गई और उनका अभी तक कोई पता चला नहीं हत्या करने वालों का, और आज ऐसा ये देश को जो है हम कहते हैं कि भारतीय राष्ट्र है, आज संविधान का राष्ट्र है, और सब लोगों का जो राष्ट्र होना चाहिए वो राष्ट्र जो है आज हिंदू राष्ट्र होने की कगार पर ऐसे लोग यहाँ की जो राज्य सत्ता है वो प्रयास कर रही है। इसलिए जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो महात्मा फुले को मानने वाले हैं, या जिन जिन महापुरुषों ने इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष किया, आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उनके विचारों के अगर से आपको ये रखना है तो इसलिए हमने सब लोगों को जो हमारे महापुरुषों ने बताया, भगवान बुद्ध ने जो बताया, या बाबा साहब ने हमें लोकशाही की जो हमारे ये विचार बताए उसी विचारों के हमने चलना चाहिए। और मैं ये वहाँ आपको भगवान बुद्ध के वो कालाम सूत्र की तरफ लेके जा रहा हूँ, वो कहते हैं कि आप उस बात को मानो कि किसी जो पंडित ने लिखी है फिर भी उसे नहीं मानना चाहिए, या वो बहुत परंपरा से चली आ रही है उसको भी नहीं मानना चाहिए, या हजारों वर्ष से लोग मान रहे हैं उस बात को भी हम नहीं मानना चाहिए, या बुद्ध यहाँ तक कहते हैं अगर से मैं खुद कहूँ फिर भी आप उस बात को नहीं मानना चाहिए तो फिर कब मानना चाहिए? आप उस बात को मानना चाहिए कि जो बात तुम्हारे और तुम्हारे समाज के लिए हितकारक हो, या अपने बुद्धि और कसौटी के वो खरी उतरती हो, या उससे उस बात से सब लोगों का भला होता हो, उस बात को आपने मानना चाहिए। इसी आधार पर मैं भगवान बुद्ध के जो पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, पारमिता है, और भगवान बुद्ध ने मानव मुक्ति का जो मार्ग दिया है उससे आप ये करो, और उसके मुताबिक जो भारतीय संविधान को, जो बाबा साहब के आम्बेडकरी विचारों को, जो लोकशाही गरिमा को वो आबादित जो करता है या उसे मजबूत करता है, उसे विचारों को जो आप देखो कौन सा पार्टी है, कौन सा पक्ष है, कौन सा उम्मीदवार है, या कौन सा विचार है, जो विचार आपको संविधान के तरफ लेके जाएगा, जो विचार आपको बाबा साहब आम्बेडकर के विचार की तरफ लेके जाएगा, जो विचार आपको यहाँ की आज़ादी और लोकशाही मजबूत करने की तरफ जाएगा, उस तरफ या उस उम्मीदवार को आप अपना अमूल्य मत दीजिए, और अपना जो अमूल्य मत है बहुत ही कीमती है, वो ऐसा ही वो उसको नहीं गंवाना चाहिए, और अपनी बहू बेटी की जैसे हमने वोट की हिफाजत करना चाहिए, और हमने बहुत ही विचारपूर्वक बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर, उनके बताए हुए दिशा दर्शन के ऊपर हमने विचार करके हमने हमारा मत का उपयोग करना चाहिए, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। जिस तरह से हम बातचीत यहाँ लोगों के साथ कर रहे हैं, बड़ा अहम मुद्दा यहाँ पर उठा है कि संविधान की बात जो चली थी कि संविधान की गरिमा, हमने देखा कि इन 5 सालों में जो संविधान पर जिस तरह से आक्रमण हुआ, जिस तरह से देश में संविधान को जलाया गया,
जिस तरह यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संविधान के बारे में बात करते हुए नज़र आए कि हम इस देश का संविधान बदलने के लिए आए हैं या हम इस देश का संविधान बदलेंगे, इस तरह से संविधान पे भी जो बातें इन 5 साल में हुई है, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव के? हमने जैसे सुना संविधान की गरिमा के बारे में बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो सरकार इन 5 सालों में हुई संविधान की गरिमा कायम रखने में कामयाब हुई? आज की ज़रूरत है संविधान को बचाना। पिछले 5 साल में जो सरकार ने जो वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं हैं। समाज को इकट्ठा होके और संविधान के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है या संविधान को जलाया जा रहा है, जो आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, उसके हिसाब से आज हमें सबको एक होके संविधान को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। आरक्षण का मुद्दा अहम अभी यहाँ पर आया, हम बात करेंगे आरक्षण के बारे में भी। आरक्षण के मुद्दे पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज इन 5 सालों में होती रही। सुवर्णों को भी आरक्षण दिया गया जो कि संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, तो क्या संविधान का जो दायरा है उसको भी क्रॉस ये सरकार कर रही है और जो दायरे में भी नहीं आते उनको भी आरक्षण देने की कोशिश कर रही है? ये तो संविधान में नहीं लिखा है ना, सुवर्णों को आरक्षण कहाँ देना चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है? संविधान में आरक्षण बोले तो क्या है, आरक्षण बोले तो उसका अधिकार है, होना चाहिए ना। सुवर्णों को 10% आरक्षण देने का कौन सा कायदा है? बाबा साहब ने कहा ऐसा घटना में लिखा है कि 10% सुवर्णों को आरक्षण जो करके ये सब घटना बाजा कर रहे हैं। इनको इस देश की घटना बचा बदलाना है और मनुवाद लाना है। सारी कोशिशें ये बीजेपी और आरएसएस कर रही है, इनका एक कुछ अलग ही प्लान है। देश में देशभक्ति की नई भाषा चालू हो गई है, ये देश में देशभक्ति की नई भाषा चालू कर दी आरएसएस और बीजेपी ने। बट इसका मतलब क्या है? आज खुलेआम बोल रहे हैं इनके बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के एमएलए खासदार ऐसे बोल रहे हैं खुद कि घटना बदलाने हम आए हैं। इसका मतलब क्या है? मनुवाद लाना इनको। मनुवाद लाने की बहुत अहम बात यहाँ निकली है कि मनुवाद खुद भी हमारे साथी है, यहाँ उनसे भी बात करेंगे। तमाम मुद्दे हैं, मनुवाद है, सुवर्ण का रिजर्वेशन है, घटना जिस तरह से बदलने की कोशिश है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन था वो भी ख़त्म हो गया, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं दिखती। 5 सालों में क्या आप महसूस करते हैं इस सरकार के बारे में? 5 साल के इस कार्यकाल में इनका जो भी वर्क है वो एक भी वंचित लोगों के माध्यम से एक भी काम नहीं हुआ है, और वो सभी को मालूम है यहाँ पर, और ये अपनी मोनोपोली कर रहे हैं, और यहाँ जो देश में जो चल रहा है वो बिल्कुल अनर्थ हो रहा है। बस इतना ही मैं कहूँगा, देश में जो चल रहा है अनर्थ हो रहा है। एक तरफ बात चल रही थी कि देश को महाशक्ति बनाएंगे, महाशक्ति बनाने के साथ अभी ये बात आ रही है कि देश महाशक्ति तो नहीं बन पाया लेकिन देश में अनर्थ हो रहा है। तमाम मुद्दे को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं लोगों के साथ इस लोकसभा चुनाव के लिए। इन 5 सालों में ये जो सरकार आई है, क्या आपको लगता है कि यहाँ के संविधान को मजबूत कर पा रही है या इस देश को जो महाशक्ति बनाने का सपना दिखाया गया वो पूरा हो रहा है? नहीं, संविधान को तो यहाँ सम्मान नहीं दिया जा रहा है, बहुत गलत बात है ये। और महाशक्ति बनने का जो प्रयास है, महाशक्ति बनेगा मगर लोगों का क्या होगा, यहाँ की जनता के लिए क्या मिलेगा उससे? यहाँ के लोगों को भी सम्मानपूर्वक जीवन मिलना चाहिए ना। वोटिंग का मतलब यही होता है कि सरकार हमारी कल्याणकारी योजना रखे, हमारे लिए कुछ करे, हमारा सम्मान साबित रखे। इस प्रकार का अगर करती है सरकार तो हमारा सम्मान रख के हम अपना मतदान करेंगे। हमारा सम्मान बहुत ज़रूरी है लेकिन देखा जा रहा है इन 5 सालों में कि सम्मान की बातें नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान की बातें चल रही है, यहाँ सवर्ण दलित की बातें चल रही है, और इस प्रकार देश का माहौल बनाया गया है कि देश में एक अलग प्रकार की असहिष्णुता का माहौल है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है क्या चुनावी मुद्दे होंगे इस बार लोकसभा के लिए? खासतौर पर किसी भी देश का जो प्रगति जो है वो वहाँ के लोगों को मिलने वाले रोज़गार से संबंधित होती है। यहाँ तो सारे के सारे जो पहले से भी ज़्यादा रोजगार बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, बेरोज़गारी बढ़ने से हमारे देश की प्रगति कैसे होगी और हम कहाँ से महाशक्ति बनेंगे? महाशक्ति भी हमारे लिए सपना हो गया, सबसे बड़े हमको रोज़गार चाहिए, जो बचे जो थे वो भी हमारे रोज़गार खो दिए नोटबंदी के कारण। और रही बात संविधान की, तो संविधान तो खतरे में है ही है। आज के जो प्रेजेंट सरकार जो है
वो तो इस संविधान को ख़त्म करना ही चाहती है। और हम सब लोगों का एक ये होना चाहिए कि भाई संविधान बचाया जाए, किसी भी प्रकार से संविधान को बचाया जाए, तो ही हम ये देश साबुत रहेगा और देश की प्रगति होगी और आगे की भी आगे भी तरक्की होगी। संविधान को बचाना चाहिए तभी देश की प्रगति होगी, देश की तरक्की होगी। तमाम मुद्दे जो है उनको लेकर हम यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इन मुद्दों पर हम और भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से इस देश का शासन इन 5 सालों में रहा, लोग क्या इससे खुश है, लोग नाखुश है, लोग इस शासन से क्या उम्मीद बना के रखे थे और अब क्या उम्मीद का क्या हुआ और आगे का क्या और आगे किस तरह का शासन लोगों को चाहिए, हम और भी बातचीत यहाँ करेंगे। इन 5 सालों में जिस तरह से सरकार आई, विकास की बात हुई, देश को महाशक्ति बनाने की बात हुई, देश में भाईचारा निर्माण करने की बात हुई, ये बातें क्या वास्तवता में दिखाई देती है देश की धरती पर? नहीं, क्योंकि इन्होंने मॉब लिंचिंग, ये इकोनॉमिकल बेस रिजर्वेशन जो किया है, अगर ऐसा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करके तो सब रिजर्वेशन ये कास्ट बेस का बंद होकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में दिया जाएगा। इससे किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, स्पेशली हमारे बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, जहाँ तक विकास का सवाल है, विकास में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रोड बनाए, मेट्रो बनाए। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कई ही लोग हैं जो नागपुर का एक कॉन्ट्रैक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा ये टीवी चैनल के सामने बोलते हुए, क्योंकि वो बोलता है वो 100 रुपये में वो पार्ट आता है रोड को लगाने का, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर है वो 100 रुपये के पार्ट का ये मेट्रो वाले 500 रुपये देते हैं। मतलब इसमें कितना करप्शन हो रहा है आप अंदाज़ा किया जा सकता है। और ऐसे भी कई लोग हैं जो, अब मैं लॉयर हूँ इसलिए मेरे को ये भी मालूम हो गया है कि भाई कुछ लॉयर्स ऐसे हैं मेट्रो के पास में जो सिर्फ साया मारते और 1 लाख रुपये मिलता है, करते कुछ नहीं है। तो करप्शन इसमें बहुत भारी प्रमाण में बढ़ गया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मेट्रो एरिया बनाने वाली कंपनी है इनकी, कि इनके सभी कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी से संबंधित हैं और ये सब देश में जो बढ़ा रहे हैं, ये सब वायलेंस करके लोगों को डरा के, किसने कुछ बोला डालो इसको, देशद्रोही करके ये जो पोजीशन इन्होंने यूज किया है, जो ये हथकंडे यूज कर रहे हैं, उसको इमीडिएट लोगों ने समझ के उस हिसाब से इस इलेक्शन को देखना चाहिए लोगों ने, और कोई भी हालत में बीजेपी और उसके अलायंस को गिराना चाहिए। आज आपने सवाल किए विकास का, विकास की परिभाषा क्या है, विकास किसको बोलेंगे? रोड बनाने से विकास हो जाता था क्या? आज इनका विकास हुआ तो सिर्फ बीजेपी का आरएसएस का विकास हुआ है, पूरे भारत देश में इन लोगों ने जमीनें खरीद रख ली है। कहाँ से पैसा इनके पास आया है? बीजेपी ने दिल्ली में इतना टोलेजंग ऑफिस बनाया, आज तक किसी राजकीय पार्टी का ऐसा ऑफिस नहीं बना। इनका ऑफिस क्यों बना? ये इनका विकास है। आज भारत देश में डबल कर्जा हुआ, 49% कर्जा भारत देश में 4 साल में बीजेपी सरकार ने किया है। 70 साल में जो कर्जा था भारत पर, 42 लाख करोड़ कर्जा था, आज 82 लाख करोड़ कर्जा हो गया। ये कहाँ गया पैसा? ये सारा पैसा बीजेपी और आरएसएस के पास है। ये देश में ये दंगा कराना चाहते हैं, देश में जो मनुवाद लाना चाहते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि भाई इनकी सत्ता आना चाहिए और ये भारतीय राज्य घटना खत्म हो गया, इनका मनुवाद लाना चाहिए। इनके बारे में ये कोशिश चली है इनकी वाली, बाकी कुछ नहीं है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की जो घोषणा थी, हम देख रहे हैं नागपुर में, इस भूमि पर हम खड़े हैं जहाँ मेट्रो का बोलबाला है, हर तरफ आप जाएंगे तो सड़कें खुदी हुई है, एक भी सड़क इस तरह से नहीं है कि जहाँ लोग चल सके, आप जहाँ जाएंगे वहाँ सड़कें खुदी है। विकास का जो पैमाना है वो मेट्रो को लेकर पकड़ा जा रहा है, मेट्रो के साथ में जो सड़कें हैं उसका पैमाना लोग देख रहे हैं कि इसको विकास कहते हैं, मेट्रो यानी विकास, सड़क यानी विकास। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। विकास का मुद्दा लेकर सरकार यहाँ आई थी, आपको क्या लगता है कि विकास हो पाया है? नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे, क्या विकास हो पाया? नहीं हुआ ना। सड़क बनने से विकास थोड़ी होता है, विकास होता क्या? रोड बनाने से विकास होता क्या? बस मेट्रो है, कांग्रेस ने लाया था, काम इसने किया, इसका मतलब 2 पैसे कमाया ना इसने। काम धंधे नहीं है लोगों को, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां इधर उधर घूम रही है, उनको ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं है,
ये रोड का गए ये करने से होता है क्या कैसा या मेट्रो आने से कुछ लोगों का भला होने का गरीबों का हाँ किसको कौन एम्प्लॉय मिला कि किसको एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं मिला सड़क बनने से बेरोजगारी ख़त्म नहीं होती है बेरोजगार लोगों को रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए यहाँ से छोटे मोटे ऐसे उद्योग आना चाहिए यहाँ पे है ना उसके तरफ में हमारे जो पार्टियाँ हैं जो चुन के आते हैं उसका ध्यान आकर्षित होता नहीं है है ना अरे रोजगार की कैसे संधि उपलब्ध हो जाएंगी इसलिए कहते हैं कि भाई इस लायक नहीं है यहाँ के जो एजुकेशन युवा है जो एजुकेशन मिल रहा है वो एजुकेशन फैक्ट्री लायक नहीं है तो इस लायक बनाने के लिए वैसा एजुकेशन इनको देना चाहिए वो प्रोविज़न इन्होंने करना चाहिए उसके तरफ में हमारी सरकार का ध्यान नहीं है रोड से विकास नहीं होता है रोड से केवल दिखावा होता है और पार्टी वही कर रही है कि जो दिखावा दिख रहा है उसी के लिए है ना दिखावा हो रहा है रोड से विकास नहीं होता है रोड से सिर्फ दिखावा होता है ये बातचीत ये राजनीति एक्सप्रेस का सफ़र यही जारी रहेगा।